मॉर्निंग क्लास, दिस इज सेवेंथ वीडियो लेक्चर ऑफ चैप्टर माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर क्लास एट एंड ऑलमोस्ट टॉपिक वर कवर्ड. ओनली वन टॉपिक इज रिमेनिंग इन दिस चैप्टर, नाइट्रोजन साइकिल. अभी तक इसमें सारे टॉपिक कवर हो चुके हैं. वो टॉपिक मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से कवर हुए हैं इस चैप्टर में. ये सेवेंथ वीडियो लेक्चर है और इसमें ऑलमोस्ट टॉपिक इंट्रोडक्शन, टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, एल्गी, एंटीबायोटिक्स, वैक्सीन्स, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, डिजीज कास्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एनिमल एंड प्लांट, फूड प्रिवेंशन, प्रिजर्वेशन एंड लास्ट टॉपिक इज नाइट्रोजन साइकिल. तो आज ये हमारा लास्ट टॉपिक है और जिन्होंने इससे पहले के 6 वीडियोस नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट में जाके सारी वीडियोस को सीक्वेंस में देख सकते हैं. और आई होप कि आपकी जो स्टडी है वो ठीक अच्छी चल रही होगी और आगे भी आपकी स्टडी कंटिन्यू होती रहेगी. तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, नाइट्रोजन साइकिल. नाइट्रोजन साइकिल को जानने से पहले हम समझेंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन की, नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रोसेस क्या होती है. एक्चुअली एटमॉस्फेयर में आप सभी जानते हैं कि 78% नाइट्रोजन प्रेजेंट है इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन गैस. नाइट्रोजन गैस या जो भी कंपाउंड्स होते हैं एटमॉस्फेयर में, उनमें जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है, अगर हम देखें तो जो नाइट्रोजन है वो किस फॉर्म में प्रेजेंट होती है. एक्चुअली नाइट्रोजन के एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन गैस फॉर्म में प्रेजेंट है एंड एनिमल्स और प्लांट्स में प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, क्लोरोफिल एंड विटामिन्स, इनमें भी ये प्रेजेंट होती है नाइट्रोजन. एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कैन नॉट बी यूज डायरेक्टली बाय द प्लांट एंड एनिमल. इट गेट फिक्स बाय दियर लाइटिंग एंड नेचुरल नाइट्रोजन फिक्सेसर्स. राइजोबियम इज इन्वॉल्व इन द फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन इन लेगुमिनस प्लांट. मीन्स कि जो भी एनिमल्स या प्लांट होते हैं वो डायरेक्ट नाइट्रोजन को नहीं लेते हैं, वो नाइट्रोजनस के कंपाउंड, जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया ये सारे नाइट्रोजन कंपाउंड हैं, इनके रूप में नाइट्रोजन को ऑब्टेन किया जाता है. तो नाइट्रोजन, अब ये नाइट्रोजन से नाइट्रोजनस कंपाउंड में बदलने की जो प्रोसेस है ये दो तरीके से हो सकते हैं, या तो नेचुरली बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म से करते हैं, या फिर नेचुरली जो होता है जैसे लाइटनिंग या थंडरिंग जब होती है तो नाइट्रोजन गेट कन्वर्टेड इंटू नाइट्रोजनस कंपाउंड. एंड जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे जो आपकी लेगुमिनस प्लांट यानी जितनी पल्सेस दालें होती हैं उनके जो प्लांट होते हैं, उनके प्लांट नोड्यूल्स यानी रूट्स में बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है राइजोबियम, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रोजनस कंपाउंड में कन्वर्ट करता है. यानी प्लांट डायरेक्ट नाइट्रोजन नहीं लेता है, नाइट्रोजनस के कंपाउंड होते हैं जैसे नाइट्रेट एंड नाइट्राइट, तो इनको प्लांट लेता है. और ये बनते कैसे हैं, ये बनते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन से. मींस नाइट्रोजन कन्वर्टेड इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड इज कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन. एंड दोज ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेसर, फॉर एग्जाम्पल राइजोबियम बैक्टीरिया. इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको अच्छे से समझिएगा इसको. अब स्टार्ट करते हैं नाइट्रोजन साइकिल. नाइट्रोजन साइकिल, साइकिल का मतलब होता है कि एक पॉइंट से स्टार्ट हो और सर्किल बना के फिर से वही प्रोडक्ट बन जाए, तो ऐसी प्रोसेस को हम बोलेंगे नाइट्रोजन साइकिल. अब इसको आप ऐसे समझिए कि एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है वो नाइट्रोजन कंपाउंड भी कन्वर्ट होती रहती है एंड नाइट्रोजन कंपाउंड एनिमल या प्लांट के बॉडी में एक्युमुलेट होते रहते हैं. बट अगर हम फाइनली देखें तो एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है वो रिमेन कांस्टेंट रहती है. मींस 78% है तो वो 78% ही रहती है. मींस कहीं ना कहीं नाइट्रोजन कंपाउंड में कन्वर्ट हो रही है, तो वो नाइट्रोजनस कंपाउंड भी नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो रहे हैं किसी न किसी प्रोसेस के थ्रू. तो इस प्रोसेस को पूरा हम बोलेंगे नाइट्रोजन साइकिल. तो अब इसको हम स्टेप बाय स्टेप आपको समझाते हैं. ये आपका डायग्राम दिया हुआ है, इस डायग्राम में अगर आप देखें जैसे नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है तो नाइट्रोजन कन्वर्ट होती है नाइट्रोजनस कंपाउंड में एंड एनिमल प्लांट दोनों में कन्वर्ट होती है. फिर उसके बाद
नाइट्रोजनस कंपाउंड कन्वर्ट होकर फिर बहुत सारे प्रोसेस के थ्रू फिर से कन्वर्ट हो जाती है नाइट्रोजन गैस में। अब इस प्रोसेस को हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। फर्स्ट स्टेप इज लिखा हुआ आ स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन ऑफ नाइट्रोजन साइकिल। फर्स्ट स्टेप इज नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन से फर्स्ट जो स्टेप होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन, पहले इसमें नाइट्रोजन फिक्स होती है, देन आगे प्रोसेस। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड बाय लाइटनिंग और सर्टेन बैक्टीरिया लाइक राइजोबियम, एजोटोबैक्टर एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। ये तीन आपके एग्जांपल दिए हुए हैं, ये आपके क्वेश्चंस में आगे पूछे जाएंगे, राइजोबियम, एजोटोबैक्टर एंड BGA या ब्लू ग्रीन एल्गी जो सॉयल या नूडल्स में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट नाइट्रिफिकेशन, अमोनिया कन्वर्जन इनटू नाइट्राइट बाय नाइट्रोमोनास एंड फर्दर कन्वर्जन ऑफ नाइट्राइट इनटू नाइट्रेट बाय नाइट्रोवेक्टर। यानी अब देखा जाए पहले यहाँ पे कन्वर्ट होता है नाइट्राइट में एंड नाइट्राइट कन्वर्ट होता है नाइट्रेट में, यानी अमोनिया कन्वर्टेड इनटू नाइट्राइट, देन नाइट्राइट कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट, अमोनिया कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट बाय द नाइट्रोमोनास बैक्टीरिया एंड नाइट्राइट कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट बाय द नाइट्रोबैक्टर। प्लांट टेक अप नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया और नाइट्रेट, यानी प्लांट उसको अमोनिया नाइट्रेट या नाइट्राइट में कन्वर्ट करती है, इनटेक करती है। नेक्स्ट एसिमिलेशन, रूट ऑफ प्लांट एब्जॉर्ब दीज नाइट्रोजनस कंपाउंड जो अभी मैंने बनाए या जो अभी बने फ्रॉम द सॉयल एंड प्लांट यूज टू सिंथेसाइज प्रोटीन एंड अदर कंपाउंड। मींस अब इन प्लांट्स को बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है, यानी इन प्रोडक्ट को प्लांट एब्जॉर्ब कर लेती है एंड जो भी नाइट्रोजनस कंपाउंड होते हैं उनको बनाती है। फॉर एग्जाम्पल प्रोटीन, एनिमल फीडिंग ऑन प्लांट गेट दीज प्रोटीन एंड नाइट्रोजनस कंपाउंड। अब उस प्लांट को एनिमल ईट करता है एंड जो भी सब्सटेंस उसमें प्रेजेंट है वो एनिमल की बॉडी में पहुंच जाते हैं, यानी जो भी नाइट्रोजनस कंपाउंड है वो एनिमल की बॉडी में पहुंच जाते हैं। देन अमोनोफिकेशन, व्हेन द प्लांट एंड एनिमल डाइड्स। अब यहाँ पे समझिएगा, यानी नाइट्रोजन कहाँ पहुँची, पहले प्लांट में पहुँची देन एनिमल्स में पहुँची। डीनाइट्रिफिकेशन, नेक्स्ट स्टेप इज डीनाइट, यानी अब अमोनिया यानी एनिमल्स और प्लांट की बॉडी में है। नाइट्रेट कैन बी कन्वर्टेड इनटू नाइट्रोजन गैस विच इज रिलीज्ड बैक इनटू एटमॉस्फेयर बाय सर्टेन बैक्टीरिया। मींस अब एनिमल प्लांट में नाइट्रोजनस कंपाउंड पहुंच चुके हैं। अब एनिमल प्लांट जब डेड होते हैं, डेड होने के बाद वो डिकम्पोज होते हैं और डिकम्पोज होने के बाद वो जो दोबारा से टूटते हैं तो इसको बोलते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। मींस यानी जो नाइट्रोजनस कंपाउंड है, नाइट्रोजनस कंपाउंड का नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट होना डीनाइट्रिफिकेशन ही बोलते हैं। मींस नाइट्रोजन गैस फिर से एटमॉस्फेयर में पहुंच गई है और एटमॉस्फेयर में पहुंच गई है इसी वजह से ये नाइट्रोजन साइकिल जो चलती है, इसी वजह से एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन कांस्टेंट रहती है। आई होप कि आपको ये समझ आई हो। मैं आपको एक बार फिर से इसको बता देता हूँ। चार स्टेप होते हैं, अगर आप देखें सबसे पहले क्या होता है, नाइट्रोजन कन्वर्टेड इनटू नाइट्रोजन कंपाउंड, प्रोसेस को बोलेंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन। यानी पहले नाइट्रोजन गैस होती है वो नाइट्रोजन कंपाउंड में कन्वर्ट होती है, देन नाइट्रोजन कंपाउंड जैसे उसमें बैक्टीरिया यूज होते हैं, नाइट्रेट, अमोनिया, नाइट्राइट, इन कंपाउंड्स में वो कन्वर्ट हो जाती है। देन दीज कंपाउंड्स आर एब्जॉर्ब, यानी अब होता है एसिमिलेशन। ये कंपाउंड जितने भी नाइट्रोजन के कंपाउंड बने हैं ये प्लांट इन्हें एब्जॉर्ब करता है एंड प्लांट एब्जॉर्ब करता है, प्लांट को ईट करते हैं एनिमल्स, तो वो नाइट्रोजन के कंपाउंड जो हैं वो प्लांट में स्टोर हुए होते हैं वो एनिमल्स तक भी पहुंच जाते हैं। यानी अब नाइट्रोजन कहाँ पे पहुंच गए हैं, प्लांट एंड एनिमल्स। अब जब ये एनिमल और प्लांट डिकम्पोज होते हैं,
व्हेन प्लांट एंड एनिमल डाइड यानी डेड होते हैं, उसके बाद वो डिकम्पोज होते हैं बैक्टीरिया एंड फंजाई की प्रेजेंट में, तो सॉइल में कन्वर्ट होकर वो दोबारा से प्लांट्स उन्हें इंटेक कर लेता है, और जब प्लांट इन्हें इंटेक करता है देन उसके बाद प्रोसेस होती है डीनाइट्रिफिकेशन की। और डीनाइट्रिफिकेशन में क्या होता है, बैक्टीरिया ही होते हैं यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो नाइट्रोजनस कंपाउंड को दोबारा से नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन फिर से पहुंच जाती है, और नाइट्रोजन इसी वजह से एटमॉस्फेयर में कांस्टेंट रहती है यानी 70% हमेशा बनी रहती है। आई होप कि आपके ये टॉपिक समझ आया होगा, और जिन्होंने अभी तक सारे वीडियोस नहीं देखे हैं वो इसको दोबारा से सारे वीडियोस देखें, और सारी इस टॉपिक को मैंने सीक्वेंस में प्लेलिस्ट में डाल रखा है, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए कुछ क्वेश्चन और आंसर जो इम्पोर्टेंट हैं उनको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए सारे टॉपिक को एक बार आप तैयार करें। थैंक यू सो मच क्लास।